हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप सोच रहे होंगे कि इस बार मैं ऐसे व्लॉग शूट क्यों कर रही हूँ। सो ऐसे मैं इसलिए व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और मुझे अचानक से याद आया, मतलब याद तो मुझे था बट मैं भूल गई थी। ऑफिस और घर आदमी और काफ़ी चीज़ें होती है दिमाग में, तो मैं भूल गई थी कि मम्मा का कल बर्थडे है। सो मेरे भाई ने याद दिलाया कि क्या प्लान है तेरा। उसके बाद मुझे याद आया, ओ मैं तो भूल गई मम्मा का बर्थडे है। तो फिर शाम को मैं छोटू सा गिफ्ट मैंने भाई से मंगाया और केक भी मंगाया। मैं कह रही थी कि नेक्स्ट डे कटवा देते, मतलब जिस दिन मम्मी का बर्थडे है, मतलब 29 अक्टूबर। ये वीडियो मैं मे बी 30 को अपलोड करूँ, तो जब तक बर्थडे ओवर हो चुका होगा। तो क्या हुआ, फिर मैंने सोचा था कि मम्मी को ना चुटकी बहुत पसंद है पैरों में पहनने वाली, तो मम्मा की टूट गई थी तो मैंने सोचा कि मैं गिफ्ट में चुटकी दे देती हूँ। तो फिर मैंने भाई को भेजा तो भाई लेके आ गए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए सरप्राइज़ है, सब ऐसे वो कर रहे हैं कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कल बर्थडे भी है। तो पापा ने केक के पैसे दे दिए हैं, पापा की तरफ से केक आया है एंड मैंने चुटकी मंगाई है। तो रात जैसे ही 12 बजेंगे तो हम केक कटिंग करवाएंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे लग रही है बहुत तेज़ ठंड और कोल्ड हो रहा है, वो अलग। और अब धीरे धीरे टेम्परेचर दिल्ली का चेंज हो रहा है और जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो थोड़ा माहौल ऐसे ही हो रहा है ठंडी वाला। क्योंकि जैसे दिवाली होती है ख़त्म, उसके बाद दिवाली के बाद मौसम एकदम बदल जाता है, ठंडी हो जाती है। तो एक तो लेजीनेस ही छा जाती है और नींद तो आती है। तो मैं आज आंखें खोल के रख रही हूँ अपनी कि सोना नहीं है, जागना है 12 बजे तक। और छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज मैं लेटे लेटे व्लॉगिंग कर लेती हूँ, आपसे थोड़ी गपशप मार लूँ लेटे लेटे। तो यह आज ऐसे ही गपशप करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो जैसे ही 12 बजते हैं मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी का रिएक्शन। सो गाइस, 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट है और मैंने चुपके से केक वेक रेडी कर दिया है। मॉम गहरी नींद में सो रही है, मॉम को कुछ भनक भी नहीं है कि हमने ये सब प्लान कर रखा है केक वगैरह। और मॉम पूछ रहे थे मुझसे, हिसाब पूछ रहे थे पैसों का, मैंने कहा बस खर्च हो गए, मैंने बताया कि अब मैं जाके इस फटाफट से उठाती हूँ इससे पहले 12 बजे। बर्थडे टू यू मेरा बच्चा, आंखें खोलो, जल्दी जल्दी उठो, हैप्पी बर्थडे। उठो, ये देखो, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। जल्दी उठो, जल्दी, कम ऑन। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you। फुक मारो बल्ले बल्ले। जो प्यारा सा गिफ्ट है चुटकनिया, इसे पहन के दिखाइए, जल्दी से पहन के दिखाइए। केक खाओ पहले, केक देखो केक कैसा भाई। मैं चुटकी से भी ना टूट रही थी, मुझे पता था टूट रही थी, तभी तो मैं लेके आई आपके लिए चुटकनिया। थैंक यू। या मोस्ट केक कटिंग हो चुकी है और मम्मी बहुत खुश हुई और पापा तो सो गए। तो पापा हम अपने के लिए केक लेके आए थे और सोन पापड़ी, जो कि अभी मम्मी खा रहे हैं और थोड़ी देर में हम खा के सो जाएंगे क्योंकि कल सबका ऑफिस है ऑब्वियसली। तो कल की प्लानिंग कल देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। फ़िलहाल के लिए अभी मम्मी हो चुके हैं खुश क्योंकि मम्मी को चुटकी चाहिए थी, मैंने जैसा आपको दिखाया चुटकी गिफ्ट में दी, तो मम्मी बहुत इमोशनल हो गई, ऐसे मत क्या करिए, ऐसे मत क्या कर, जैसा हर मदर करती है। सो फिलहाल के लिए गुड नाइट, दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे अगर कुछ प्लान होता है तो, अदरवाइज़ अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो दिखाती हूँ कल। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो सुबह के 5 बज रहे हैं और क्योंकि
क्योंकि मैंने सोच लिया था रात को ही कि मॉम को परेशान नहीं करना आज, तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ और मेरा भाई मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जाते हैं जिम, तो उनके लिए भी पैक करना है। तो मैं अब बना रही हूँ आलू के पराठे, तो चलते हैं आलू के पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं अच्छे से रसोई साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर कुछ बनाना स्टार्ट करूँगी। बेस बना लिया है, उसमें आलू, हरी मिर्ची, मसाले और ऑनियन डाला है। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ पराठे, इसको मैश करके। ये हमारे यम्मी यम्मी पराठे बन रहे हैं। यहाँ हमारी चाय बन रही है और अब मैं ज़रा बाहर देख के आती हूँ बाहर का मौसम क्या कह रहा है। जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना, तो अब 6 बजे भी अंधेरा होता है, तो इस टाइम देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। और वैसे जल्दी जल्दी सुबह हो जाया करती थी, 6 बजे तक तो बहुत उजाला होता था, पर जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही है, तो अब ऐसे ही विंटर्स में तो ठंडा ठंडा ही रहता है, तो अभी बहुत अंधेरा है और रास्ते में भी एकदम सन्नाटा है। भाई निकल चुके हैं जिम के लिए और अब मैं सबको ब्रेकफास्ट करवाऊँगी, मम्मी पापा को और मैं करूँगी। हाँ, बस अदरक वाली टेस्टी सुबह की चाय भी हमारी तैयार हो ही गई है। यहाँ पापा खा रहे हैं और मॉम सो रही हैं, मॉम को उठाने की कोशिश कर रही पर उठ नहीं रही। यहाँ मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ यम्मी यम्मी गर्मा गर्म पराठे विद चाय, तो स्टार्ट करते हैं। सुनहरी सुबह हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब टाइम टू मी टाइम, अब मैं थोड़ा नेचर के साथ बैठूंगी, बातें करूंगी, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी मेरे ऑफिस जाने में भी। और सुबह सुबह का जो वो वेदर होता है और जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कामनेस, एक ये जो चिड़िया और तोतों की आवाज़ है, इतनी अच्छी लगती है ना, ची 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 ची। तो अब बस मैं थोड़ा बैठूंगी और वार्म अप करूंगी हल्का हल्का, क्योंकि अभी मैंने पराठे खा लिए हैं पेट भर के, तो बहुत फुल हो गया है। थोड़ा वॉक वॉक करूंगी और नेचर के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारूंगी। देखिए दूर दूर थोड़ा कोहरा सा लग रहा है, अब या तो इसे कोहरा भी कह सकते हैं और या तो इसे दिवाली के बाद का कहते हैं ना, वो हो जाता है पॉल्यूशन, वो भी कह सकते हैं, तो दोनों ही कह सकते हैं। पर अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ सुबह सुबह वार्म अप कर रही थी और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी मुझे, तो सबसे पहले मैं अपनी आइस को थोड़ा सिकाई दे रही थी, गर्म कर रही थी। और बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह दोनों हाथ रब करके आइस पे लगाते हैं तो बहुत रिलैक्स फील होता है। तो जब स्कूल टाइम पे हम योगा किया करते थे, हमारी योगा क्लास में मैम सबसे पहले हमें यही करवाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था बार बार हाथ रब करके और आँखों पे लगाना। और अब यहाँ धीरे धीरे मुझे ना ठंडी सी लगने लगी, क्योंकि मॉर्निंग का जो वेदर होता है वो बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है, रात की ओस भी होती है, और जिस चेयर में मैं बैठी थी ना, काफ़ी ओस थी उसमें, मतलब आफ्टर दिवाली स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बैठे बैठे मैं हल्की हल्की थोड़ी शोल्डर की एक्सरसाइज कर रही थी। और ये देख रहे हैं आप ऊपर कितने सारे बर्ड्स उड़ रही हैं, तोते उड़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और मॉर्निंग के टाइम बहुत कामनेस होती है क्योंकि ऑलमोस्ट सब सो रहे होते हैं। ये देखो, वाओ, क्या देखने को मिला सुबह सुबह, एकदम लाइन में चल रहे हैं सारे, वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। मैं तो आ गई क्योंकि बाहर बड़ा ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ठंड स्टार्ट हो गई है, और थोड़ी थोड़ी महसूस भी हो रही थी ठंड, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने देखा और वो बर्ड्स भी देखी सारी लाइन से जा रही थी। और इसके बाद फिर मैं अब आ गई और थोड़ी देर अभी लेट के रेस्ट करके उसके बाद फिर मैं ऑफिस के लिए रेडी होंगी। 2000 years later.
तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा लेटने गई थी और लेटने के बाद मेरी आँख लग गई और ऑफिस के लिए मुझे बहुत लेट हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी भाग भाग के ऑफिस आई और फिर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो काम करते करते पता ही नहीं चला ऑफिस में टाइम कैसे निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ी भूख लगने लगी और यहाँ पे काम करते करते मैं कॉफ़ी भी पीने लगी। और अब शाम के 5:30 बज रहे थे, मैम ने चाउमीन मंगा ली थी। जा रही है, बाय। अब छुट्टी हो चुकी है और मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। मामी का कॉल आया है, मामी और नंदिका घर पर मेरा वेट कर रहे हैं और साथ में मेरे लिए लाए हैं चिली पटेटो और चाउमीन। पर मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि उन्हें ऑलरेडी ऑफिस में चाउमीन खा लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, यहाँ पे सिंगापुर ही खाए, वहाँ पे रावल के खाऊंगी। तो अब घर निकलते हैं, ये देखिए लाइट्स। मैं ले रही हूँ समोसे, मम्मी ने मंगाए हैं, ताकि समोसे चाउमीन और चिली पटेटो एक साथ खाएं। तो यहाँ बन रहे हैं। तो घर आते यहाँ भाई ने बैलून शैलून सारे फुला के रखे हुए थे, डेकोरेट करके रखे हुए थे। और यहाँ हमारे चिली पटेटो केक और साथ में चाउमीन, यम्मी यम्मी, और उसके साथ मेरे फेवरेट समोसे और चटनी, ये सारा कॉम्बो एक साथ, और अदरक वाली चाय मेरे हाथ की बनी हुई, मज़ा ही आ गया था। घर जा चुके हैं एंड बहुत मज़ा आया। मामा मामी आए और घर में एक रौनक सी हो गई और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा कि मम्मी का बर्थडे बहुत अच्छा बन गया। एंड काफ़ी टाइम से मामी से नंदिका से मिले भी नहीं थे। नंदिका से तो मिले थे एक्चुअली, नंदिका मामी तो मामा तो आए थे उसमें भैया दूज में, बट मामी नहीं आए थे। तो आज मामी से भी मिल लिया काफ़ी टाइम बाद और खूब सारा खाया हमने। आज थोड़ी चीटिंग हो गई हाँ, बट मज़ा बहुत आया। तो बस आज ऐसा ही मम्मी का छोटा सा प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। एंड अब इतना फुल हो गया ना कि अब बिल्कुल भी भूख नहीं है और अब मैं भी रेस्ट करूँगी। सो आई होप आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।